इस्लाम में एक नमाज आई है नमाज मकफरत वालदेन इसका कल जिक्र हो गया था इसलिए मैं इसकी तरफ थोड़ा सा इशारा कर रहा हूँ और इसका जियारत से एक ताल्लुक़ भी है इसलिए कि नमाज मकफरत वालदे किस चीज़ का नाम दो रकत नमाज है अलहम का सूर दोनों रकतों में है लेकिन फिर अलहम के सूर के बाद कोई मुकम्मल सूर नहीं कुरान की वो दो आयतें जिनमें वालदेन की मफफरत की दुआ की गई है वो पढ़ना पहली रकत में सूर्य इब्राहिम की आयत दस मरतबा दूसरी रकत में सूर्य नूह की आयत आखिरी आयत दस मरतबा और सूर्य इब्राहिम की आयत तो बहुत मशहूर है रबली वल वालय वलमीना यौमा यकूम अगरचे जो इमाम मासूम ने यह बताया कि दस मरतबा इसकी तलावत है उसमें कुरान के लफ्ज़ को जरा सा बदल दिया कुरान में रब बना इमाम ने कहा रब फिर ली लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता दस मरतबा यात ये आयत तो हर एक को याद है लोग नमाज के कनू में भी पढ़ते हैं और दूसरी रकत में अलम के बाद दस मरतबा रब फिर ली वाल वाले वलमन दखला बैतीमोमीना मौ, वलमोमिन यह हजरत नूह की दुआ जो मेरे घर में दाखिल हो उसकी मकफरत फरमा यह नमाज मकफरत वाल हर आदमी तकरीबन हर आदमी शब जुमा इसको पढ़ता ही है लेकिन वहां तो आप रोज पढ़ें। जो जियारत पे लोग जा रहे हैं और जो अभी नहीं जा रहे तो अल्लाह हर मोमिन मोमिना को हज उमरा और शारदा मासूमिन की जियारत खूस करबला और मस्जिद खूफा की जियारत नसीब करे तो वहां पर जाके ये याद रखिएगा ये। है इसके बाद फिर वो नमाज आती है जिसके अंदर सूरह कौसर की बहुत अहमियत बताई गई मजलिस के शुरू में सूरह वल असर के बारे में आया कि पूरे कुरान का खुलासा लेकिन सूर् कौसर वो भी अगर आप एक तरह से देख लीजिए ना तो उसमें भी पूरा इस्लाम जमा हो गया उसमें तवल्ला है उसमें तबर्रा है उसके अंदर फ़र्वादीन के अहम तरीन इबादत नमाज फसल ले। तो खैर वो फिर अलग बहस है मेरा मौजू कहीं से कहीं भागा जा रहा है उसको कंट्रोल करना सूर कौसर बहुत कम नमाजों के अंदर तिलावत तला, का हुक्म है मगर ये दो जो नमाजें अब मैं बता रहा हूँ ये सूरह कौसर की ही नमाज है पहली रकत में नहीं दूसरी में सूर्य कोलवल्ला के बदले में एक है नमाज हदिया मैयत, नमाज वैशत नहीं वो अलग चीज है, ये नमाज है जो इमाम मासूम ने कहा कि अब ये लफ्ज मेरा इमाम के लफ्ज को मैं जरा सा बदल रहा हूं ताकि बात समझे तुमसे लेकर आदम तक तुम्हारे जितने रिश्तेदार जितने खानदान वाले सिलहमी का एक हिस्सा है ना ये जितने दुनिया से गए हैं उनको तुम इस दो रकत नमाज के जरिए से कब्र में सवाब पहुंचा सकते हो वालिदैन तो हरेक को याद होते हैं लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ वालिदैन ही है और कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार नहीं है जिसका हमें हक हाँ अदा करना हो कल की मजलिस के आखिर में गिफ्ट या हिबा के हवाले से मसला आया ना कि खूनी रिश्तेदार की बहर इस्लाम में एक अहमियत रहमी का भी एक को पता है और वह फीकी एतबार से कल का आपने मसला सुना वाजिबात का मसला बन जाता यानी हराम बन जाता है अगर आपने उनसे वही गिफ्ट के हवाले से वही सुलूक किया कि जो आपने किसी और से किया अब मैं तफसर में नहीं जा रहा हूँ कल बात हो चुकी तो इमाम ने कहा उसके अंदर रहमी के अंदर खाली उनकी मदद करना ही शामिल नहीं है जब तक वो जिंदा मरने के बाद अच्छा मरने के बाद हमें अपने कितने रिश्तेदार याद खाला मुझे याद है मसला चचा मुझे याद है मामू मुझे याद है वालिद के मामू और चचा खाला भी थोड़ी थोड़ी सा याद है या ये कि उनका जिक्र सुना है लेकिन पर्दादा के सकड़ दादा के, के लकड़ दादा की खाला कभी जहन में भी तस्वुर नहीं आता उनका इमाम ने कहा यह दो रकत नमाज़ पढ़ा करो कम अज़ कम हफ्ते में एक बार तो यह नमाज का वो फायदा है जो नमाज मग़रत वालदेन का लेकिन मगफरत वालदे की नमाज आती है सिर्फ अजदाद की तरफ बाप माँ दादा दादी नाना नानी ये जो एक सीधी लाइन ऊपर की तरफ जा रही और जो साथ में दूसरे वो क्या नमाज है मशहूर नमाज है लेकिन अब क्योंकि कल जिक्र आ गया था इसलिए इसको आगे बढ़ा रहा हूँ दो रकत नमाज हर नमाज में अलहम का सूरह तो है अलहम के सूरह के बाद पहली रकत में इन्ना अनजलना का सूर और दूसरी रकत में सूर्य इन्नातना कल कौफा। ये खास हदय मैय फिर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग इसको नमाज वहशत से मिलाते हैं नमाज वहशत किसी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन या उसकी मौत की रात या उसकी कब्र की पहली रात इसमें भी जरा आगे सिस्तानी के फतवे में वजाहत है लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं और हदिया मैत अलग जो आपके बुजुर्गों के बुजुर्गों के बुजुर्ग जो हजरत नू के जमाने में हमारे बुजुर्ग थे भाई हमारा सिलसिला नसब हजरत नू से भी मिलता दुनिया भर की जितने इंसान हैं हजरत आदम की भी औलाद है हजरत नू के भी औलाद हैं तो सारी दुनिया मर गई थी उन सबको यह सवाब पहुँचाएगा एक ख़ास जो बात यहां पर आती है वो ये कि ये जो नमाज अभी बताई जा रही है और इसमें मैंने कहा कि जुमला मुझे अर्ज करना वो यह है कि हदिया मैय अपने जितने भी आपके महरूम रिश्तेदार उन सब के लिए आपको इसका सवाब उनको कब्र में फौरन पहुंचाया जाएगा एक और नमाज सुन लीजिए फिर एक आखिरी नमाज बहुत नमाजों में बहुत टाइम आज निकाल दिया मैंने अब जो है वो असल मेरा मौजूद था असल असल ये था और वो ये था कि इमाम ने एक दफा एक मोमिन से अपने सहावी से पूछा तुम अपनी औलाद के लिए भी कोई नमाज पढ़ते हो तो जैसे कल मैंने तकरीर के आधी तकरीर के बाद कहा था कि वालिदैन का हक तो सुना है औलाद का हक तो नहीं सुना था लोगों ने उस जमाने में आपने सुन लिया था क्योंकि कल आपके अंदाज से लग रहा था कि जैसे आप इस तरह बैठे हुए थे कि जैसे इस मौजू से कोई दिलचस्पी नहीं है वो उसी वक्त होता है जब आदमी ने एक बात बहुत नमाजें तो नमाजे होती कभी औलाद के लिए भी नमाज पढ़ते हो वो तो मोमिन चौंका फरजंदे रसूल औलाद के लिए बाप और माँ नमाज पढ़े कहा कि हाँ यह औलाद का हक है दुआ नमाज औलाद की तरबियत हक है कि उनके लिए तुम हफ्ते में कम अज कम एक मरतबा दो रखत नमाज पढ़ा करो जियारत में और उमरे में और हज में तो आपके पास बहुत मौका होता अब एक जुमला बहुत आहिस्ता से कह रहा हूं क्योंकि मुझे अपने आप से डर लगता कि तफसर में चला गया तो पूरी मजलिस कहीं और चली जाएगी ये सुन्नत नमाजें हैं जो आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं आप गाड़ी में ड्राइव करते हुए भी पढ़ सकते हैं तो और इस्लाम ने आसान कर दिया लेकिन तस्वुर ही नहीं है औलाद के लिए भी दुआ का नहीं औलाद का एक हक है कि वालदेन भी उनके लिए नमाज पढ़े हमारे यहाँ जो काफी अरसे से एक वन वे ट्रैफिक चलता चला रहा था औलाद को सारे हक हाँ अदा करने है वालदेन के वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं जो है वह दुनियावी जिम्मेदारी है कि उनके खाने का कपड़े का तालीम का इंतजाम कर दिया बस ये काफी बहुत बहुत, बहुत बात मेहमान हुआ तो आईफोन लेके दे दिया बस उसने औलाद का हक अदा कर दिया ऐसा नहीं और कल जो मैंने जुमला कहा था ना कि बल्कि पहले औलाद का हक हाँ बाप के ऊपर आता फिर जाके औलाद पर जिम्... आ, जिम्मेदारी वालदे की आती ये अदला बदला नहीं यानी अगर किसी बाप और माँ ने अपनी औलाद का हक हाँ अदा नहीं किया तो उनकी औलाद को यह कहने का हक हाँ नहीं कि चूंकि उन्होंने हक हाँ अदा नहीं किया मैं भी हक हाँ अदा नहीं कर रहा हूँ दो अलग चीज़ है लेकिन बहरहाल पहले उनका हक हाँ। जो दुआ को में भी क्या खुदा बंदा अदा इस दुनिया में आने से पहले ही तू मेरी तरबियत के लिए इंतज़ाम कर दिया माँ का बाप का तो ये एक जिम्मेदारी है भी खाली उनकी दुनियावी जरूरिया पूरी ना करो रूहानी ज़रूरियत भी पूरी करो तो तरबियत अलग चीज़ है लेकिन दुआ के हवाले से दो रकत नमाज अलम के बाद पहली रकत में कुलवल्ला पढ़ो दूसरी रकत में सूरह कौसर पढ़ो और हर मोमिन को पता है कि सूरह कौसर तो नाजिल हुई शहजादी की ज़ात के लिए थी कि जब पैगम्बर के बेटे का इंतकाल हो गया तो यह सूरह नाजिल हुआ तो यह औलाद से बहुत गहरा इसका रब और कहीं मौका मिले कि ना मिले अगर सफ़र सियारत में मौका मिल जाए सफार हज में मौका मिल जाए सफ़ारा में तो इस मौके मत समझिए तो ये दौरा कर नमाज मफफरत वाले की जो जमनान आ गई असल थी तमाम मरूम रिश्तेदार हजरत आदम तक अगर आपका हजरत आदम से कोई रिश्ता हमारा तो है हो तो सकता है कि डारविन का ना उसका कोई रिश्ता बंजर से बनता हो लेकिन हमारा रिश्ता तो हजरत नूह से भी बनता हजरत आदम से भी तीसरी औलाद के लिए नमाज देखिए अगर इंसान औलाद के लिए नमाज पढ़ेगा तो जहन में ख्याल आएगा कि औलाद का भी हमें कोई हक अदा करना है दीनी और मजहबी अब आइए चौथी और आखिरी बात सुन लीजिए ये सिर्फ जियारत के हवाले से है ये मुझे अर्ज करना थी तीन दिन के बाद जो आठवें इमाम की शहादत की रात आ रही है आठवां इमाम और जियारत बहुत अहम मौजूद लेकिन बात अभी चल रही है तो मैंने कहा फिर उस तकरीर में सारी बातें रिपीट करूं चलो आज ही हो जाए और वो ये है कि जियारत पे एक नमाज और बहुत अहम अब ना इसका औलाद से ताल्लुक है ना इसका वालदन से ताल्लुक़ है ना इसका मरहूम रिश्तेदारों से ताल्लुक है ये एक हक़ इमाम है वालदेन का हक पहचाना आपने औलाद का हक पहचाना आपने अपने तमाम मरहूम रिश्तेदारों का हक पहचाना एक हक इमाम भी करार दिया गया इमाम का भी एक हक है कि उनके लिए दो रकत नमाज पढ़ो ये नमाज क्या है दो रकत नमाज लेकिन हर इमाम के यहाँ यानि अगर दस इमामों के रोज़े पे आप जा रहे हैं मौला को छोड़कर वहाँ नमाज का तरीका अलग और यही नमाज जब मौला के रोज़े में पढ़ेंगे तो उल्टी हो जाएगी और इसमें बहुत सारे पैगाम हैं कि अगरचे अवलौना औसतना आखिरोना कुलोना मोहम्मद है मगर मौला का रतबा बाकी तमाम अमात से ज्यादा है और वह हदीज़ भी अलहसन वल हसैन सैयद शबाबन्ना व अबू उमा खैरमा जन्नत के जवानों के सरदार तो हैं हसन लेकिन उनके बाबा उनसे बेहतर और रसूल खुदा का रतबा लेकिन अब मैं इस मौजू पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता वरना बात तो कहीं से कहीं चली गई इसको खींच के वापस लाना है असल असलान पर दो रकत नमाज मौला के रोजे में अगर ये नमाज पढ़ेंगे आप तो अलहम के बाद पहली रकत में सूर रहमान है दूसरी रकत में सूरह यासीन लंबे सूर हैं लेकिन मशहूर सूर आधे से ज्यादा सूर तो आपको वैसे ही कानों में पड़े हुए हैं और बिल्कुल आयत शुरू होगी तो आयत आपको याद ना हो लेकिन अंदाजा हो जाएगा कि अब क्या कहा जा रहा है अब क्या कहा जा रहा है सूरह रहमान जो सूरह कमर के बाद है वो सूरह कमर जिसका एक लफ्ज़ दुआ इमाम ज़माना में है और एक लफ्ज जीारत आशूरा के बाद जो सजदे में आप पढ़ते उसमें वो सूरह कमर भी बहुत अहम है लेकिन मैं अहम अहम कह के आपको कहीं से कहीं ले जा रहा हूँ वापस आता हूँ मौला के रोजे में ये दो रखा नमाज ये हक इमाम हक वालिदैन सुना हक रिश्तेदार सुना हक औलाद सुना नमाजों के हवाले से सारे हुकूक नहीं बता रहा हूं लेकिन जियारत को जहन में रखते हुए नमाजों के हवाले हक़ इमाम बाकी जो तीन नमाजें आपको बताई गई वो ज़रूरत नहीं है कि खाली करबला नजफ़ में पढ़ी जाएं वो शारजा में भी पढ़ी जाएंगी ये वाली नमाज रोज़े की नमाज जिस इमाम के हरम में है बहुत कम लोगों को मैंने ये नमाज पढ़ते देखा लेकिन हैं है, पढ़ने ये नमाज पढ़ने वाले हैं मौला के रोजे में पढ़ेंगे तो पहली रकत में सूरह रहमान है दूसरे में यासीन बाकी दस इमामों के हरम में पढ़ेंगे ये नमाज उल्टी हो जाएगी पहली रकत में यासीन है दूसरी में सूर एक नमाज बताना थी लेकिन साथ में यह पैगाम भी देना था कि इसके जरिए भी इस्लाम ने मौला की उस फजीलत को बयान किया है जो बाकी अम्मा पर भी उनको हासिल है कि जाए के कि किसी आम इंसान से उनका मुकाबला किया जाए यहां पर रुक के एक आखिरी जुमला दो दिन के दो नहीं डेढ़ दिन कल की पूरी मजलिस आज की आधी मजलिस एक आखिरी जुमला कह के असल उनवान पे आ जाता हूं और वो ये क्या ये दुआएं आपने सुनी और ये भी आपने सुना कि मोमिन का ईमान उस वक्त तक ना मुकम्मल है जब तक वह दुआ करना ना सीखे क्योंकि कुछ लोग बाद में आए हैं तो एक जुमला रिपीट कर रहा हूं कि दुआ न करने वाले को यह समझा गया है कि वो अपने आप को इतना एरोगेंट या घुमंडी बना रहा है कि गोया अल्लाह के सामने खड़ा हो गए या अल्लाह मैं तुझसे क्यों मांगू शद्दाद का जुमला जब हजरत हूद ने हजरत हूद भी वो नबी है ना कि जिनके अब्र की ज्यारत हमारे सारे जायरीन करते हैं में दो ही नबी तो दफन हजरत साले और हजरत हुद जब शहजाद से जाके कहा था ईमान ला जहां से बात शुरू हुई कि मोमिन खुद ईमान लाने पर इतफा नहीं करता है, दूसरों को भी पैगाम देता तो मूसा और ईसा की शरीय में चाहे ये ना हो लेकिन अम्बिया के लिए वाजिब था गए कहा कि ईमान ला क्यों ईमान ला क्या मिलेगा मुझे का ये ये मिलेगा जन्नत की नेमतें बताएं जो कुरान में भी आई ये सारी चीजें तो मैं दुनिया में खुद रखता हूं भाई मुझे क्या जरूरत है इसकी वजह से ईमान लाने की किसी और के आगे झुकने की कोई ऐसी चीज बताओ जो मेरे पास ना हो और वो मुझे दे वह हजरत हूद ने तो जन्नत को तस्करा किया था उसका किसमें क्या पूरे मेरे पास है दूध और शहद की नहर मैं बहा सकता हूँ मोतियों की आ, महल मैं बना सकता हूँ सोने और चांदी मिशको अंबर की जमीन मैं बना सकता हूँ बना भी थी आज भी बाज मोमिन की मैंटेलिटी ये बन जाती है आखिर में जाकर लेकिन हमारे यहाँ जो आम लोग हैं जो मजलिसों में आने वाले हैं वो कभी इतना घुमंड नहीं करते कि दुआ भी ना करें लेकिन ये यहूर की किस्म है ना तो आप खुलासा ये निकला कि कहा कि दुआ जरूर लेकिन लेकिन अब यह लेकिन से मेरा असल मौजूद शुरू हुआ लेकिन दुआ कबूल नहीं होती ये मौजू नहीं है इसमें एक जुमला आ रहा है दुआ कबूल नहीं होती बहुत दुआएं यहां पढ़ते हैं दुआ कबूल होने की सबसे पहली शर्त यह है कि पूरी दुआ में आप की रहे दुआ की अगर आपकी तवजो रहे तो चाहे वो कितनी ही अहम दुआ क्यों ना हो यानी वो वाली दुआ क्यों ना हो जिसके लिए बाजत ये जुमले इस्तेमाल होते हैं जिनको मैं नहीं मानता लेकिन इस्तेमाल होते हैं कि अगर यह दुआ करके भी तुम्हारा मसाला ना हो तो मेरा गरीबान पकड़ना कभी किसी साहबी का हवाला आ जाता है कभी किसी आलिम का हवाला आ जाता है अगर ये दुआ करके भी तुम्हारा मसला ना हो तो क्यामत में मुझसे शिकायत करना इसमें इमाम का नाम आ जाता कि फुला इमाम ने यह फरमाए तो चाहे ऐसी कोई दुआ हो भी हमारे पास कि जिसमें इमाम मासूम ने कहा यह दुआ इतने जल्दी असर करती है कि इतने जल्दी तो जहर भी असर नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो दुआ कबूल नहीं होगी अगर एक शर्त पूरी ना हो कंसंट्रेशन या तोज्जो अब मैं चूंकि खुद भी हज पे उमरे पे जियारत पे और अपने शहर में या जहाँ जाता हूँ आमाले शब कदर में अब तो खैर वो स्लाइड व्लाइड चलती है जब किताबों का ज़माना था कोई लंबी दुआ आ गई तो मैं चेक करता था मोमिन पेज पलट पलट के चेक करते कितने पेज रह गए शुरू हो गई दुआ वह ख़त्म ही नहीं हो रही पता ही नहीं चल रहा कब ख़त्म हो गई नज़र आता था कि वो सफ़ेद चेक किए जा रहे हैं कि हम कितने सफ़े बाकी रह गए ऐसी दुआ का ये तो नहीं कहूंगा कोई फायदा नहीं है लेकिन इसका नतीजा नहीं निकलेगा नामे खुदा जबान पर आ जा उसका फायदा तो हई और हर दुआ अल्लाह दुआ में तो आपको अल्लाह का नाम लेना ही लेना है तो अब दुआ में बहुत अहम चीज है तोज्जो मैं उन उनमा से तालीम हासिल किए हुए हूं जो रोजाना नमाज शब के कनूत में दुआए अबू हमजा शुमाली पड़ा करते जो रमजान में एक रात को पढ़ी जाती है या कुछ लोग तीस रात भी पढ़ते हैं तो बहुत लंबी दुआ लगती रोजाना नमाज के लेकिन ये उनका दर्जा था उनकी तवज्जो हमसे तो अगर डेढ़ सफ़े की दुआ भी पढ़ने को कहा जाए तो शुरू शुरू में तवज्जो रहती है फिर जहन इधर उधर जाने लगता बस जहां जहन इधर उधर गया वहां दुआ का असर खत्म हो गया कंसंट्रेशन तवज्जो ये दुआ की अहम तरीन शर्त और इसके लिए अब आइए वो हदीस सुन लीजिए जो मफाती जिना के आखिर में शेख अब्बा से उम्मी ने लिखी मौला मस्जिद कोफा में मस्जिद कोफा अहम तरीन मस्जिदों में से इसकी जो फजीलत बताई गई यहां तक है कि शबे मराज रसूल कहाँ जा रहे हैं सातवें आसमान पर मस्जिद खूँफा नजर आई कहाँ रुको 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 यहां मुझे दो रख नमाज पढ़ना आज भी मस्जिद कोफा के जहन में वो मकाम महराज है जहां रसूल ने सवारी रुकवा कर कहा कि यह मस्जिद को नहीं छोड़ा जा सकता यहां तो मुझे नमाज पढ़ के ही जाना अब मैं बाकी जो मस्जिदें सफर में आई उनको पैगम्बर ने छोड़ दिया लेकिन ये एक अलग मौजूद है मस्जिद खुफा की अहमियत मौला ने देखा उस अहम तरीन मस्जिद में एक मोमेंट बैठा हुआ अपनी हाजतें बयान कर रहा और लंबी लंबी दुआएं पढ़ रहा है। इमाम ने टोक दिया का याद रखो जो अल्लाह लंबी दुआएं सुनता है वही अल्लाह मुख्तसर दुआएं भी सुनता ऐसी लंबी दुआ अब मौला ने जुमला नहीं कही मैं कह रहा हूँ ऐसी लंबी दुआ पढ़ रहे हैं जिसमें आपकी तवज्जो हट रही है इससे छोटी है जुमले की दुआ बेहतर जो पूरी तवज्जो के साथ अब उसने एक मतबा कहा मौला मेरे तो बहुत सारे मसले बाद लोग तो लिस्ट बना के बैठते हैं कि ये इतने सारे प्रॉब्लम है डेढ़ सौ तो डेढ़ सौ मसले हैं तो डेढ़ सौ दुआएँ तो चाहिए ना अगर अपने अल्फाज में भी वो तो अरब है ना तो अरबी में पढ़ रहा होगा तो ये तो लंबी दुआ है इमाम ने कर नहीं ये सारे डेढ़ सौ ये डेढ़ सौ का लफ्ज मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ ये डेढ़ सौ मसाले दो सौ मसाले इसके लिए भी दो सौ जुमलों की ज़रूरत नहीं है तवज्जो हटने लगती है अम युजीबुल मुस्तरकी का वो फायदा आजकल क्यों नहीं है जो पहले था इतना 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 पढ़ा जाता है हर मजलिस हर नमाज में कि लोगों की तवज्जो ही हट जाती है अलहम के सूर्य का फायदा क्यों नहीं कि जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं अलहम के सूर्य के जरिए से लेकिन अब क्यों फ़ायदा नहीं है इतना पढ़ा जाता है सूरह फातिहा सूरह फातिहा के आप पढ़ रहे होंगे आपकी जबान पर अल्फाज होंगे जहन में कोई ख्याल ही नहीं होगा आप क्या पढ़ रहे हैं एहदिन सिरातल मुस्तकीम का क्या मतलब है मालूम है वैसे आपको लेकिन उस वक्त जब आप ये पढ़ रहे हैं तवज्जो उस वक्त होनी चाहिए तो खैर खुलासा यह है कि मौला ने कहा कि नहीं कितने ही तेरे मसले क्यों ना मुख्तसर दुआ से भी हल हो जाएंगे मौला जानते होंगे कि इसकी तवज्जो हट रही है इसकी क्या हर इंसान की तवज्जो हटती है सिवाय मासूम के सिवाय मासूम चले इस जुमले की वजह से मैं एक छोटा सा चौथे इमाम का तस्करा कर दू क्योंकि ये करबला का जिहाद ग्यारह मुहर्रम के बाद चौथे इमाम के हवाले चौथे इमाम का एक टाइटल है जैनदीन ये टाइटल है बहुत मशहूर लकब है तमाम आबिदों की जीनत क्या बाकी मासूमिन आबिदीन के जीनत नहीं देते अभी आपने पूरा अशरा सुना होगा चौथे इमाम के हवाले से घर ये तो मुश्किल होता है किसी भी आलिम के लिए कि हर मजलिस में चौथे इमाम के हालात पड़े लेकिन मुख्तर हालात आते हैं चौथा इमाम का है जैन आबेदीन अब बाकी इमामों के मुकाबले में वो तो चौथे इमाम को जब उनकी फूफी ने इतनी नमाजों से रोका रोका चौथे इमाम की फूफी रोका तो एक मरतबा उन्होंने यही कहा कि फूफी आपने तो दादा की नमाजें देखी मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूं बहुत मशहूर वाक सारी तारीफें तारी अल्लाह की और हर हालत में हर हालत है ईमान का तकाजा जहां से बात चली थी मुसीबत हो परेशानी हो तभी अल्लाह की तारीफ और इसके बाद असअल्लाकुल्ले खैर मैं अल्लाह से सवाल करता हूं हर खैर का। अब बताइए आपके 500 सौ में से कौन सा मसला ऐसा है जो खैर नहीं है अगर खैर नहीं है तो दुआ मांगना ही हराम है जो आपके मसले हैं वो सारे खैर ही होंगे ना सेहत मांग रहे हैं औलाद मांग रहे हैं बेटी की शादियां मांग रहे हैं रिस्क मांग रहे हैं किसी जगह का वीजा मांग रहे हैं जो भी आप मांग रहे हैं खैर है ना अस अल्लाह मिनकुल्ले खैर सब आगे व आऊज अब ला है मिनकुल्ल शर आप मुसीबतों और परेशानियों से बचना चाह रहे हैं तो शर वाली मुसीबतों से ना मैं अल्लाह की पना चाहता हूँ हर शर से है मुझे हर शर से बचा ले वह आज तक फिर मिनकुल्लम जब अल्लाह से हर चीज़ मांगी है तो कम अज़ कम इतनी तो शर्मो हया करो ना कि आज तक जो उसका कानून तोड़ा है तो एक बार उससे सॉरी कर लो कहा जाता है ना कि वो अंग्रेजी के दो जुमले ऐसे हैं जादू है। एक सॉरी और एक थैंक यू बड़े बड़े निजाम इन दो जुमलों से बदल जाते हैं लेकिन उसको छोड़े ये इस्लाम यह ये क्या के अल्लाह की बारगाह में एक लफ्ज सॉरी बंदा जो आज तक हमने किया है उस पर माजरत लंबी लंबी दुआएं तोहबा नहीं बताई हमारे पास दुआए तोहबा भी है जो बहुत लंबी लेकिन कहा जरूरत नहीं है सिर्फ एक लफ्ज सॉरी अल्लाह से अपने आपस में दोस्तों में रास्ते में सड़क पे कहीं आ, किसी से टकरा गए कुछ हो गए सॉरी आ जाता है ना अल्लाह की बारगह में सॉरी कहते हुए क्यों जान निकलती लेकिन तवज्जो के साथ कि सॉरी क्यों कह रहे हो तो अब ये इमाम ने कही चार जुमले को दो जुमले बीच वाले उसमें सारी चीजें आ गई जितने तुम्हारे मसले बताओ ना क्या मसले उनमें कौन सा मसाला ऐसा जिसको दुआ कवर नहीं करी मफाती के आखिर में शेख अब्बास ने रिवायत लिखी है ना लेकिन मैं दुआ की नीयत से ये मैंने नहीं पढ़ी रिवायत अगर दुआ भी है एक बहुत अहम मैंने इस लियत से पढ़ी कि तवज्जो चार जुमलों में आपकी तवज्जो रहे ये आसान अबू अब सुमाली आप पढ़ें दुआएँ कुमेल आप पढ़ें आका हुसैन की आरफात की दुआ पढ़ें पूरी दुआ में तोज्जो रहे ये मुश्किल और यहाँ सारा दारोमदार दुआ की कबूलियत का लंबे होने पर नहीं है अल्फाज के बनाव सवार पर नहीं है तोज्जो पर पूरी तवज्जो